हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर दिस सेशन। और कितने लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं? अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अ वेरी गुड इवनिंग विवेक, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी। हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे बाकी लोग का, क्योंकि एक नई चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें सभी लोग का होना जरूरी है। मैं इधर भी देख लेता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग क्षितिज, कल्पना, कपिल, राहुल, निखिल, प्रियेश, रवि, ऑल क्लियर। चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोग का भी, कि दोनों बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें क्लास को टाइम पे। दो मिनट वेट करूंगा मैं, आप लोग भी वेट करिए 2 मिनट, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा। फर्स्ट ऑर्डर सोर्स फ्री आरएल सर्किट। अगर आपके पास यहाँ पे है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है वो क्या पढ़ा सर आपने बताना? अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं आपका, वो पढ़ा हमने क्या? सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर हमने अभी तक ये डिस्कस किया था। हाँ सर, हमने अभी तक ये पढ़ा। इसमें हमने दो कैटेगरी के क्वेश्चन देखे हैं। इसमें हमने कितने कैटेगरी के क्वेश्चन देखे हैं? टोटल 2 कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे हैं। एक था आपका आरएल सर्किट, एक था आपका आरसी सर्किट। हाँ या ना? बिल्कुल सर, पहला हमने देखा था यहाँ पे आपका आरएल सर्किट, और जो दूसरा हमने अभी तक देखा है वो था हमारा आरसी सर्किट। ठीक है, तो अगर बात करें आरएल सर्किट के बारे में, तो आरएल सर्किट के केस में हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था यहाँ पे आई ऑफ टी। आई ऑफ टी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया था आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सिमिलरली हमने यहाँ पे वी ऑफ टी निकाला था, और उसका फॉर्मूला था वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ का यहाँ पे फॉर्मूला था इस वाले केस में एल बाय आर। बहुत बढ़िया। और यहां पे जो टाउ था आपका वो था आर इंटू सी। ठीक है, यहां पे जो ये आई नॉट था वो था आपका इनिशियल कंडीशन, इनिशियल करंट। और यहां पे जो वी नॉट था वो आपका था इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, इतना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इस यहां तक शायद से आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, जो हम लोग नई कैटेगरी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। देखना, अब हम यहां पे बात करें किसके बारे में, अपनी नई कैटेगरी। कौन सी नई कैटेगरी है हमारे पास? वो है हमारे पास सोर्स फ्री, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में यहां पे, आपका अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर
बीच में लिखता हूँ इसको मैं, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके भी कितनी कैटेगरी बनेगी, टोटल दो कैटेगरी बनेगी, एक तो बनेगा आपका आरएल का, एक बनेगा आपका आरसी का। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, घबराना नहीं है ना, बहुत आराम से समझना। इसमें भी दो आपकी कैटेगरी बनेगी, पहली बनेगी आपकी आरएल की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं आपका आरएल सर्किट, और दूसरा आपका बनता है यहाँ पे आरसी सर्किट की कैटेगरी। ठीक है, चलो। अब आरएल सर्किट की कैटेगरी में भी अगर हम पूछे क्या निकाल लेंगे, क्योंकि सर्किट तो आपका आरएल है, तो आप हमेशा निकालोगे यहाँ पे आई ऑफ टी। तो आई ऑफ टी का फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट होगा, और फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट क्या है, आपका फॉर्मूला होगा आई ऑफ इन्फिनिटी प्लस ब्रैकेट के अंदर आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी, एक मिनट रुकना, तो इसको अच्छे से घुमाएं, नहीं आपका कंफ्यूज होगा आप लोग का, है ना। दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, तो सिंप्लीफाई करो ना, अच्छे से घुमाने यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना आप लोगों को। फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं ना, इसलिए मैं हाँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। एक तो आपका आर एल है, आर एल के केस में आपको निकालना होता है क्या आई ऑफ टी, आई ऑफ टी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई ऑफ इन्फिनिटी। अब बोलो सर आई ऑफ इन्फिनिटी क्या है, थोड़ा रुक जा बताऊंगा मैं, ब्रैकेट आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी ब्रैकेट क्लोज e की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो इसमें टोटल तीन टर्म है, एक तो आपका आई ऑफ इन्फिनिटी है, आई ऑफ जीरो है और टाउ है। तो एक बात तो बता दूं कि यहाँ पे टाउ जो है वो आपका जो यहाँ पे निकाला था आपने एल बाय आर, वो सेम टू सेम है। चलो एक अपन को टेंशन खत्म हुई कि चलो भाई यहाँ पे तीन चीजें हमको निकालनी थी, वो तीन नहीं निकाली, दो चीजें निकाली, टाउ तो सेम है, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही काम करना है। फिर एक बोलोगे सर ये आई नॉट क्या है, आई नॉट यहाँ पे ये आई नॉट है, जो यहाँ पे आई ऑफ जीरो लिखा है वो आई नॉट है ना, तो मतलब ये चीज भी क्लियर हो गई। ये भी हमको निकालते बनता है, ये भी हमसे निकालते बनता है, क्या बनता है आई ऑफ जीरो इक्वल्स टू आई नॉट। बस हमको एक नई चीज यहाँ पे सिखानी सीखनी है, वो है आई ऑफ इन्फिनिटी। देखो आई ऑफ जीरो को हम बोलते हैं इनिशियल करेंट, और आई ऑफ इन्फिनिटी को हम बोलते हैं आपका स्टडी स्टेट करेंट, इसको हम क्या बोलते हैं आपका स्टेडी स्टेट करंट। इसको कैसे निकालना है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ठीक है ना, ये आपको होगा स्टेडी स्टेट करंट। सिमिलरली हमारे पास यहां पे क्या होगा आपका आरसी सर्किट भी होगा, तो आरसी सर्किट के केस में आप क्या करोगे देखना, आरसी सर्किट के केस में आपका फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा यहां पे वी ऑफ टी इक्वल्स टू V of infinity plus bracket के अंदर V of zero minus V of infinity bracket e की power minus t by tau। Again tau तो आपका again वैसे ही है, क्या हो जाएगा tau equals to R into C। V of zero में नहीं घबराना, वो आपका V naught ही है, बस आपको एक नई चीज यहाँ पे निकालनी सीखनी है, जो कि मैं आपको फिर से सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में, वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा V ऑफ इन्फिनिटी। V ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है आपका, उसको हम बोलते हैं आपका स्टडी स्टेट वोल्टेज। यहाँ पे I ऑफ इन्फिनिटी क्या था, स्टडी स्टेट करंट था, तो यहाँ पे जो V ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टडी स्टेट वोल्टेज। दो मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूँ इसको, है ना, मैं अपने आप को साइड कर लेता हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग नोट करिए और मैं थोड़ा सा एक बार बात कर लेता हूँ, दो मिनट वेट करिएगा आप लोग।
हेलो, करता हूँ मैसेज क्लास के बाद में। पंद्रह 20 मिनट लगेंगे मुझे अभी। ठीक है। हो गया। इतना नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं। एक क्वेश्चन भी तो लेना है ना आपके लिए। एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करूं क्या मैं, बताइए। रेडी हैं आप लोग? नोट कर लीजिए जल्दी से। बताइए आप लोग सो गए हो क्या? कोई बोल ही नहीं रहा है, मस्त अंकित सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग हेडफोन लगा सो रहे हो मस्त, ऐसा तो नहीं है? जग रहे तो हैंड रेज करो कोई। अच्छा, आपके मैसेज तो आए कम से कम। ठीक है, डन। मैं रात में पढ़ाते में ये भी दिक्कत रहती है ना कि रात में अगर क्लास लगती तो आप लोग सो गए हो, मैं यहाँ पे बस पढ़ाए जा रहा हूँ फ्लो में आके, है ना, और आप लोग मस्त मगन है। ठीक है, चलो तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं। एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि हम एक क्वेश्चन को एक पार्ट में एक बोर्ड में कर लें। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, ये आपकी हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि ट्रांजिट के क्वेश्चन कोई एक बोर्ड में कर पा रहा है, पता है? ये एक टैलेंट है, गिनीज बुक में मेरा नाम ना आ जाए कहीं। चलो, क्वेश्चन क्या आपके पास, देखिएगा आपके पास यहां पे मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। एक सर्किट आपके पास दिया हुआ है, यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी है एक, ठीक है, यहां पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक यहाँ पे स्विच लगा है ऐसा, और यहाँ पे आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, टू ओम का रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास एक करंट सोर्स है। तो ये है क्वेश्चन की कहानी, ठीक है, और मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ सब जगह, ठीक है, क्या हुआ, 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, स्विच आपका यहां से यहां जा रहा है, यहां से जो पहले थी यहां जा रहा है, ठीक, ठीक है,
ये आपका जो कैपेसिटर है वो 0.1 फैरेड का है, ये आपका 2 ओम का है, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, 1 ओम, और ये आपके पास 5 एम्पियर है अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी करंट है आपके पास? 5 एम्पियर है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। स्विच को परफॉर्म करो, स्विच यहां से यहां पे जा रहा है, तो यहां पे लेके आ जाओगे तो क्या आपका कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड? करेक्टेड। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपका, क्या वो आपका सोर्स फ्री क्वेश्चन है? तो नहीं भाई, दिस क्वेश्चन इज नॉट सोर्स फ्री क्वेश्चन। ये मेरा आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट क्वेश्चन है। वो आपका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। और आपका कैसा सर्किट है? आपका आरसी सर्किट। तो आप निकाल लोगे क्या यहाँ पे? आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा वी ऑफ टी, और वी ऑफ टी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी ऑफ इंफिनिटी प्लस ब्रैकेट के अंदर वी ऑफ जीरो माइनस वी ऑफ इंफिनिटी ब्रैकेट क्लोज ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, ये होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? टाउ निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना? टाउ कैलकुलेशन पे आते हैं। तो जैसे मैं आया कहाँ पे? टाउ कैलकुलेशन पे। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या आंसर होगा टाउ कैलकुलेशन के? टाउ की वैल्यू कितनी होगी? आर इंटू सी, क्योंकि टाउ में कुछ भी चेंज आया है क्या? नहीं आया है चेंज, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू सी, ठीक है। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? स्विच को जब यहाँ पे लेके जाओ तो ये वाला पार्ट पूरा डीएक्टिवेट हो गया, तो जब इसके अक्रॉस में देखोगे सी इक्वलेंट कितना आपको? 0.1, ठीक है। आपका आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? देखो कैपेसिटर आपका, सॉरी आपका जो ये करंट सोर्स आपका ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन हुआ तो 1 ओम डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इसके अक्रॉस देखो तो क्या होगा? 2 और 2 सीरीज में, तो हो जाएगा आपका 4 ओम। तो आपका टाउ कितना आ जाएगा यहाँ पे? आर इंटू सी कोस टू आ जाएगा कितना यहाँ पे? 0.4 सेकेंड, ठीक है। चलो अब अपन यहाँ पे निकालते वी नॉट। वी नॉट भी हमसे निकालते बनता है, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाल के देखा है ये चीज, तो हमको यहाँ पे वी नॉट के बारे में डर नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे वी नॉट को निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वी नॉट भी कहीं ना कहीं हम लोग से निकालते बनता ही है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, तो वी नॉट कैलकुलेशन लोग यहाँ पे करते हैं। वी नॉट कैलकुलेशन जब हम यहाँ पे करने जाएंगे तो देखना, सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं? एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे। एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे देखा हमने जाके, तो हमारा स्विच जो यहाँ से यहाँ तक गया था वो 0 माइनस पे यहाँ पे रहेगा, तो वो कैपेसिटर मेरा सोर्स से कनेक्टेड है, हाँ या ना? तो सी मेरा यहाँ पे एनर्जाइज है, हाँ या ना? बिल्कुल एनर्जाइज है। अगर वो एनर्जाइज है दैट मीन्स उसमें एनर्जी होगी, उस मतलब उसमें वोल्टेज होगा, तो उस वोल्टेज को निकालने के लिए हम कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से, क्योंकि ओपन सर्किट एक ऐसा केस है जहां पे आपका वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है। तो मेरा सर्किट समथिंग ऐसा बन जाएगा, देखना ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कैपेसिटर भैया हो गए आपके ओपन सर्किट, ये कैपेसिटर यहाँ पे हो गया आपको ओपन सर्किट, है ना। ये आपका 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये आपका 10 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो वी जीरो माइनस होगा वो कितना हो जाएगा? वी जीरो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन रूल, हाफ हाफ वोल्टेज, 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो वी जीरो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 5 वोल्ट। इतना भी तो आपको क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं आई थी ना किसी को, यहां तक तो आप हर एक क्वेश्चन को परफॉर्म कर लेंगे आई थिंक, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करो। इसके बाद अगर आपको क्लियर होगा तो फिर मैं आऊंगा किसमें? आपका वी ऑफ इंफिनिटी, मतलब वी नॉट तो आपने निकाल लिया, अब हम आते हैं कहां पे? आपका वी ऑफ इंफिनिटी पे कैसे करना, वो एक चीज है, वो चीज हमने सीख लिया, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सबको ध्यान समझना, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, देखना।
हम आ गए किसमें, आपका वी ऑफ इंफिनिटी निकालने के लिए। तो आपको यहां पे स्विच को टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लेके जाना है। अब ये सब कैसे बनाते हैं, तो मैंने ट्रांजिएंट की पहली क्लास में बता दिया था कि एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्विच टी इक्वल टू जीरो पे कहां पे गया था, टी इक्वल टू जीरो पे यहां से यहां आया था, तो इन्फिनिटी पे भी यहीं पे तो रहेगा ना। अब जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी स्विच यहां पे पहुंच गया है, तो आपका कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड, मतलब एनर्जाइज है कैपेसिटर आपका। सेम वही प्रोसेस, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी आपका कैपेसिटर यहाँ पे एनर्जाइज है। अगर वो एनर्जाइज है मतलब उसमें वोल्टेज होगा, है ना, मतलब उसमें एनर्जी होगी, एनर्जी मतलब उसमें वोल्टेज होगा। उस वोल्टेज को निकालने के लिए आपको कैपेसिटर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, ओपन सर्किट से, क्योंकि ओपन सर्किट एक ऐसा केस है जहां पे वोल्टेज हो सकता है। तो अब आप सर्किट फिर से बना दो यहाँ पे, समझ में आई बात, कुछ भी नहीं है डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस स्विच को आपको अलग टाइम पे ओपन करना है, बस अलग टाइम पे ऑपरेट करना है। ये सर्किट आप, ये आपने कैपेसिटर आपका ओपन हो जाएगा 2 ओम 2 ओम, यहाँ पे आपका क्या ये 1 ओम, और ये आपका यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट सोर्स, दिस इज योर 5 एम्पीयर करंट सोर्स। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 ओम, ये आपका ओपन हो गया। यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वी ऑफ इन्फिनिटी होगा। अब बताओ यार, यहाँ से 5 एम्पीयर करंट आई, 5 एम्पीयर इधर कितनी जाएगी, 0 एम्पीयर, इधर कितनी जाएगी, 5 एम्पीयर, इसमें कितना वोल्ट होगा, 5 दूनी 10 वोल्ट, तो आपका वी ऑफ इन्फिनिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट। तो लो भाई, आपके सारे आंसर तो आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा देखना, वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी ऑफ इन्फिनिटी जो कितना 10, तो 10 प्लस ब्रैकेट में क्या है, वी ऑफ जीरो कितना आपके पास 5, माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी कितना आपके पास 10, तो 10 ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ के लिए कितना है 0.4, तो टी अपॉन 0.4, तो 0.4 को अपन अगर 4 बनाते हो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/4 हो जाएगा 2.5, तो -2.5 टी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने कितना हो जाएगा, 10-5 ई की पावर -2.5 टी। क्या था इस क्वेश्चन में टफ बताओ जरा, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था यार, है ना, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट लेके हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। बोलो, क्लियर आंसर यही है। सबसे पहला जो ट्रांजिट में सबसे बड़ा काम है ना, वो है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई, है ना। तो इसलिए मैंने आपकी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सबसे पहले मैं उसमें आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका हो जाएगा, ओनली इन्फिनिटी वैल्यूज एक्स्ट्रा, बस आपको इन्फिनिटी वाला कैलकुलेशन अलग करना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। और मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, है ना, कि आपके दो पैटर्न पहले मैं करा चुका हूँ, दो पैटर्न ये कर लिया, मतलब आपका ट्रांजिट 95% हो चुका है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपने इसके पहले दो टाइप की वैरायटी में करा चुका हूं, कौन सा, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरएल, सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर आरसी, ये दो पैटर्न हो गए, दो पैटर्न मैंने अभी आपको करा दिए, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट आरएल सर्किट, है ना, फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट एंड आरसी सर्किट, ये आपके चार पैटर्न हो गए। इन चार पैटर्न में आपके ट्रांजिएंट का 95% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में आई बात, अगर इतना आपने निकाल लिया ना, मतलब कोई नया पार्ट नहीं है ट्रांजिट, पूरा सेम, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनेगा वह सेकेंड ऑर्डर में, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है उससे उसमें ऐसा नहीं कि बहुत लंबा कैलकुलेशन की कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेंगे। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, बताइए जरा, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े।
एक और क्वेश्चन करें सॉल्व। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको आप लोग सभी लोग बताइएगा ना आंसर। एक सेकेंड, मैं अगेन बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, जिससे ट्राई करेंगे एक ही पेज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। बार बार उनको आगे पीछे नहीं देखना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस में हो जाता है कि आप आगे पीछे देख लो, ऑनलाइन में बड़ी दिक्कत होती है ना बार बार पेज को चेंज करना, उसके मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा आप लोग से एक सजेशन चाहिए है कि हम लोग की ये जो पेन टाइप वाली क्लास अच्छी लगती है कि डिजिटल बोर्ड वाली क्लास, कि डिजिटल बोर्ड में क्लास लगाएं, ये अच्छा लगता है कि डिजिटल बोर्ड? जैसा आप लोग बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, है ना। डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास स्कूल में रखा है, वो मैं मंगा लूंगा अगर आप लोग को चाहिए होगा तो, या फिर आपको पेन टाइप में क्लास लगानी तो वो यहां से भी कर सकते हैं। ये सही है, डिजिटल बोर्ड थोड़ा मतलब फेस ज्यादा आ जाता है ना, तो बार बार लिखने में दिक्कत होगी। और एक बात और है कि इतना ज्यादा कंटेंट हम लोग डिजिटल बोर्ड में नहीं ले सकते ना, डिजिटल बोर्ड में जो आपका फोल्ड का साइज होगा वो ऐसा कुछ होगा, डिजिटल बोर्ड में आपकी जो फोल्ड का साइज होगा वो इतना कुछ होगा। ये तो आपका क्वेश्चन इतने में हो जाएगा, आपका इतने में सोल्यूशन रखना पड़ेगा, है ना। चलो तो अभी इसी में करते हैं, बाकी जब कभी आगे लगेगा तो अपन वो भी करेंगे, क्योंकि मेरा मन कर रहा है आजकल, है ना, मेरा बहुत मन कर रहा है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का। क्योंकि पता क्या है, मैं बैठे बैठे मेरा पेट बाहर आ रहा है यार, मेरा मन करता है मैं खड़े खड़े पढ़ता हूँ। हाँ है ना, मेरा पेट बाहर आ रहा है इसलिए मुझे खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बैठ सकता हूँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पूछ दिया है एक, अरे भाई इतना मोटा क्वेश्चन कैसे आ गया। आपके पास यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी है, एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, उसके पास 2 ओम था, फिर 3 ओम था, फिर एक यहाँ पे इंडक्टर था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था, ठीक है, और ये स्विच आपका यहाँ पे हो रहा है क्या ओपन? अरे यार क्या दिक्कत हो जा रही है बार बार, स्विच यहाँ पे आपका हो रहा है ओपन किस टाइम पे? टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 1/2 हेनरी है, और ये आपका 10 वोल्ट है। तो कौन यहाँ पे मुझे बता बता के सॉल्व करवाएगा? क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0। साहा है हिम्मत? बताओ, अगर हिम्मत है कि चलो सर ट्राई करते हैं सॉल्व करके, बने या ना बने ट्राई तो कर ही सकते हैं, तो हैंड रेस कर दो। देखो मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि एग्जाम कॉन्फिडेंस से जल्दी निकलते हैं, है ना, तो ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल दिखाना चाहिए कॉन्फिडेंस। नहीं बनेगा तो क्या है, नहीं तो क्या हो, कोई सुलीम चाह दे क्या, बंदूक लेके बैठो क्या, बंदूक मार दूं अच्छे से मार दूंगा, ये ट्राई तो करो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ट्राई करिए। अगर नहीं है हिम्मत तो फिर इस पे काम करिए, है ना। अगर हिम्मत नहीं है, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो पहले से क्यों लगना, है ना। बिना ट्राई किए आप कैसे मान सकते हो कि नहीं बन पाएगा मेरे से क्वेश्चन, ट्राई करिए ना। बहादुर दिखाइए अपने, लोग तो मतलब जो रहता ना कि उनको पता है कि सामने हार मिलेगी, तब भी वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं, है ना।
अभी तो आपको पता भी नहीं कि आगे क्या होगा, अभी आप हिम्मत हार रहे हो। आप उनके बारे में सोचो जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपके पास 3 दिन बचे हैं, है ना, आप 3 दिन में आपका बस हो गया, आपका ज्यादा नहीं है, अभी इतना ही है आपके पास टाइम, 3 दिन का टाइम है। जब उसकी फैमिली वाले पे क्या गुजरती होगी सोचो, वो लोग हिम्मत हारते हैं क्या? नहीं हारते ना, वो डॉक्टर के पास यहाँ वहां पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब उनको पता है कि ये होना है, तब हमारे पास तो भी ये है ना कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हिम्मत तो दिखाओ, हिम्मत तो दिखाइए, पहले तो हिम्मत क्यों हारना आपको बताइए। पहले आप सॉल्व करना है, क्यों पहले सॉल्व करके देखना है कि पहले मैं देख लूं फिर बताऊंगा। गलत बात है यार, गलत बात। साथ वो प्रिंस आप करिए चलिए, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन में जहां आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए 5 मिनट का थोड़ा सा हमने पानी पीने के लिए टाइम दिया है, तब तक अभी प्रिंस सॉल्व करेंगे। चलो बताओ प्रिंस, कैसा क्वेश्चन है ये, कैसे क्या सॉल्व करना है बताओ। बोलिए। चलो सर, हाँ बेटा बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सर्किट एंड आरएल सर्किट है सर, स्टेप सर्किट कैसे हुआ? क्योंकि ये स्विच जब ऑपरेट करेंगे सर, हमारा जो सर्किट है वो सोर्स से कनेक्टेड रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर, मैं लिखता भी जा रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर है, स्टेप स्टेप सर्किट है सर्किट और और आरएल सर्किट आरएल सर्किट है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वी ऑफ टी या आई ऑफ टी? सर, आई ऑफ टी की वैल्यू सर फाइंड करेंगे। आई ऑफ टी का फॉर्मूला याद है आपको, बताइए। यस सर, आई इनफिनिट, आई ऑफ इनफिनिट प्लस आई 0 माइनस ब्रैकेट में माइनस आई ऑफ इनफिनिट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। बहुत बढ़िया। टाउ की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो आप? सर टाउ की वैल्यू मैंने 1/10 सेकेंड आया है। 1/10 सेकेंड आया, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर आर एक इलेक्ट्रोलाइट 1/2 है और आपका इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 है ना, तो कितना हो जाएगा, फाइव वन यस बाय सर, टेन यस सेकेंड सर। बिल्कुल सही है ये तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम किसकी तरफ, I0 माइनस सर फाइंड करेंगे I0- निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा। सर, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट ड्रॉ कर लेंगे तो उसमें कैसा होगा, क्या सर्किट बनेगा हमारे पास? हमारा जो सर। इंडक्टर एट है, टी हमारा जो इंडक्टर, वो सोर्स से कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? सर कनेक्टेड रहेगा, लेकिन वो 3 ओम का रेजिस्टर सर वो उसको सर हटा दिया जाएगा। बिल्कुल है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है पैरेलल में। बहुत बढ़िया। टी यस इक्वल सर, टू 0- पे मेरा जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। यस तो सर, मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे ये 2 ओम, और 0- पे ये आपका शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो 3 ओम डीएक्टिवेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये आपका हो जाएगा यस सर। यहाँ पे सर शॉर्ट सर्किट। I0 माइनस की वैल्यू सर 5 एम्पियर आ जाएगी। 5 एम्पियर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ कितनी करंट हो जाएगी आपकी, I0-, और इसकी यस वैल्यू आ सर, जाएगी कितनी आपके पास, यहाँ पे 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पे, आपका एक चीज और निकालनी थी आपको, वो क्या है आपका एक्स्ट्रा पार्ट, आई ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, आई ऑफ इन्फिनिटी में कैसे करेंगे? सर सेम सर्किट बनेगा, 5 एम्पियर करंट वहां भी सर फ्लो होगी। बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है आपको, ये 3 ओम डीएक्टिवेट नहीं होगा ना, बस एक डिफरेंस यस होगा कि यहाँ पे 3 ओम डीएक्टिवेट नहीं होगा, पूरा सेम टू सेम सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे सर, यस 10 वोल्ट बन गया, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी आपकी, दैट विल बी योर आई ऑफ इन्फिनिटी, यस सर, ये आपका शॉर्ट सर्किट। कितनी कितनी वैल्यू है, 10 वोल्ट, 2, 3, आपका आई ऑफ इन्फिनिटी कितना बताया आपने, 10/5, 2 एम्पियर। यस सर, ठीक है, अब या आप सर यहाँ दो पे एम्पीयर, इतना ही आएगा ना, यस सर, अब वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आंसर आएगा वैल्यू पुट करने पे, आई ऑफ टी इक्वल्स टू 5 प्लस
फाइव माइनस नहीं नहीं पहले आई ऑफ इन्फिनिटी है ना, तो टू होगा ना। यस आप बार बार वही गलती करते हो, कौन सी मेन काम कर लोगे लेकिन जहां पे गलती नहीं गई थी वहां पे गलती कर दोगे। यहाँ पे आई ऑफ इन्फिनिटी तो आप फाइव कैसे कर दोगे, टू करोगे ना, टू प्लस टू टू माइनस प्लस फाइव माइनस टू टू माइनस फाइव, हाँ फाइव माइनस टू, यहाँ पे सर फाइव, फाइव माइनस टू हाँ फाइव माइनस टू है यहाँ पे, ए की पावर माइनस टेन टी। तो -10t यस सर इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, टू प्लस थ्री, 3 to the power -10t बहुत बढ़िया। ये आपके पास आई ऑफ टी आ गया। क्या था इस क्वेश्चन में टफ लगा कहीं पे, कुछ भी क्वेश्चन में कहीं पे भी टफ नहीं था ओके क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान है ट्रांजिएंट। ठीक है, साहा क्या पूछ रहे हो, कुछ डाउट है इसमें बताइए जरा, पूरा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब एक काम करना आप लोग, ये पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना वो पीडीएफ में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, है ना, सभी लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। कल की क्लास में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मान के चले कि कल की क्लास तक में आपका 95% ट्रांजिएंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं है, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं कराया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी चीज आप जब बनाते हो, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है लगता है कि अच्छा आप ये बना रहे थे, अच्छा समझ में आया, उस टाइप का है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा सर आपने चीज कराया नहीं, लेकिन वो मैं करा चुका हूँ। लेकिन मैं कब वो आपको कब लगे पूरा करा दिया मैंने, जब मेरा पूरा ट्रांजिट कंप्लीट होगा तब। कल का शेड्यूल क्या रहेगा वो अभी आपको रात के रात ही पता चल जाएगा। ठीक है, रात के रात में कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस आपको पता चल जाएगा, रात में 1-2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा डेवलपर साहब बैठना है ना, मुझे चेक करना है कि किस टाइम पे स्लॉट नहीं रहेगा जिससे वो ऐप पे काम कर सके। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से टाइम को शेड्यूल करके मैं आपको अभी रात में बता दूंगा, रात में 2 बजे के पहले। ठीक है, और आपकी जो भी क्लास होगी वो 10 बजे के पहले तो नहीं होगी सुबह में, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार मोबाइल चेक कर लेना, अगर कभी भी ऐसा होता है कि मैं रात में अपडेट ना कर पाऊँ, नेट लाइट करूं, तो 10 बजे के बाद ही क्लास होगी सुबह। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।